हम चांसेस हो सके हमारे देश के सिपाही बॉर्डर पर हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हैं, बट क्या आपको पता है कि वॉर ना हो, हमारे कम से कम सिपाही शहीद हो, इन सबको रोकने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? द आंसर इज रॉ। आप सभी का स्वागत है मूवीज टनल में। आज हम मुखबिर का रिव्यू करने वाले हैं। ये कहानी उन चंद जाबाजों की है जो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, पर उन्हें खुद का देश एक्सेप्ट करने से भी मना कर देता है, बिकॉज गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है। एक हाईली ट्रेन्ड इंडियन स्पाई एंटर्स पाकिस्तान एक मिशन पर टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड टू स्टॉप पाकिस्तान डैट वो इंडिया पर अटैक ना करे। विल ही सक्सीड? इन सबको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मुखबिर। ये Z5 पर उपलब्ध है। इनका काम है स्पाई बनके अपने दुश्मन मुल्क से इंफॉर्मेशन चुराना। ये शो उन्हीं जाबाजों पर आधारित है। इसकी कहानी हमें मुखबिर की जिंदगी के सफर में लेकर जाती है। हम महसूस कर पाएंगे कितनी मुश्किलों से हमारे ये जाबाज दूसरे मुल्क में जासूस बनकर जाते हैं और देश के लिए अपना काम करते हैं। अगर वो पकड़े जाएं तो उन पर इतना खतरनाक टॉर्चर किया जाता है, देखकर दंग रह जाओगे। ये कहानी 1960 के वक्त की है, जब दोनों मुल्कों में कश्मीर को लेकर तनाव था जो आज तक चल रहा है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कास्टिंग किया गया है इस शो का। अगर एक तरफ इसमें प्रकाश राज जैसे दिग्गज है तो दूसरी तरफ हर्ष छाया, जिन्होंने पूरी टक्कर दी है अपनी कलाकारी से। इस शो का हर करेक्टर, चाहे वो अतुल कुमार हो, सत्यदीप मिश्रा, बर्था बिष्ट, आदिल हुसैन, सुशील पांडे, वीना मेहता, जोया एफ्रोज, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया है। अब करते हैं बात मेन कैरेक्टर की, जैन खान दुरानी, जिन्होंने एक स्पाई का रोल निभाया है। ये आपको हर सीन में बेहतरीन लगने वाले हैं। इन्होंने अपनी कलाकारी से दिल जीत लिया है, बहुत ही उम्दा तरीके से अपने रोल को निभाया है। व्हाट ए फंटास्टिक परफॉर्मेंस इस कैरेक्टर ने दी है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, charm, effortless face expression. There was a scene where he cries. That's where you get to see his face. Great, great act. Direction की बात करें, शिवम नायर ने पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। 1960 के दशक का पाकिस्तान दिखाया गया है। आप फील करोगे डेट आप वही घूम रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है इस शो में, जैसे कि उस वक्त चलते थे विनाइल रिकॉर्ड्स, उस वक्त गजलों का आलम था, रेडियो स्टेशन पर सिंगर्स अपनी पेशकारी करते थे, जिनको आज हम विंटेज कार्स कहते हैं, वो सारी पुराने मॉडल्स की कार्स दिखाई गई हैं। तो प्रोडक्शन वैल्यू का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। डायरेक्टर ने स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से पिरोया है कि उसके लिए हैट्स ऑफ कहूंगा। आइए बात करते हैं स्टोरी लाइन की। स्टोरी लाइन इज गुड, इसके डायलॉग्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पेश किए गए हैं और बहुत गहराई है वेब सीरीज के डायलॉग्स में। हर डायलॉग पर आप रिलेट कर पाएंगे। ये सीरीज आपको नहीं डिसअपॉइंट करेगी। आपको धीरे धीरे इस शो का मजा आना शुरू होगा। आफ्टर 1 or 2 एपिसोड्स आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, आप फिर बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। दी टेंशन, ड्रामा, थ्रिल, रोमांस, बट इट्स नॉट मॉडर्न रोमांस, इट स्टैंड्स ट्रू एट इट्स टाइम पीरियड। द म्यूजिक, बैरूपिया सॉन्ग मन छाया इज सो सूदिंग। प्रोडक्शन वैल्यूज आर गुड, सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन ऑल्सो इम्प्रेसिव, बट कीप इट इन माइंड, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप बिंज वॉचिंग इट। फाइनली दोस्तों, फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट रिव्यू लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें मूवीज टनल। थैंक यू सो मच।